और बड़ी खबर यही है कि कुवैत रवाना हुए हैं कीर्तिवर्धन सिंह। ये बड़ी जानकारी, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री हैं। और अभी जो बड़ी खबर है वो ये कि जिस तरीके से कुवैत में एक बड़ी घटना घटी है, अग्निकांड में घायलों से वो मुलाकात करेंगे। कुवैत में 41 भारतीयों की जान चली गई और ये तब हुआ जब एक 6 मंजिला इमारत में आग लगती है। कुल 49 लोगों ने जान गंवा दी, इसमें 41 भारतीय थे और ये मजदूर थे जो कि वहाँ पर काम कर रहे थे। और दरअसल ये जो पूरी बिल्डिंग है, यहाँ पर ये मजदूर रह रहे थे। जैसे एक बड़ी घटना घटती है उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदनाएं जाहिर की और अब जो बड़ी खबर है वो ये कि कीर्तिवर्धन सिंह रवाना हो चुके हैं, वहाँ पर जो घायल हैं उनसे मुलाकात करेंगे। एक पूरा जो मामला निकल करके सामने आया, ये मंजफ शहर का मामला है जहाँ पर एक इमारत में बुधवार को भीषण आग लग गई, 49 लोगों की जान चली गई। इसमें जो अभी तक जो बड़ी बात सामने आई है वो ये कि 41 भारतीय वहाँ पर थे और इसमें मरने वाले जो बाकी लोग हैं वो पाकिस्तान, फिलीपींस समेत बाकी दूसरे देशों के हैं। अधिकांश लोगों की मौत सोते वक्त धुएं की वजह से दम घुटने के कारण हुई है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से एक बड़ी घटना घटी और इसमें अधिकांश भारतीयों की जान चली गई, जो कि अपने आप में बेहद ज़्यादा दुखद। इस पूरे मामले में मृत भारतीयों के परिजनों को पीएम ने 2-2 लाख देने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने बीते रोज इसको लेकर के पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। कुवैत में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीक से नजर बनाए हुए है। प्रभावित लोगों की सहायता के लिए वहाँ के अधिकारियों के साथ काम किया जा रहा है। यहाँ पर आग लगी है और जिस तरीके से इतने लोगों की जान चली गई, अपने आप में एक बड़ी क्षति है। ये मजदूर जो कि वहाँ पर रह रहे थे और आग में 41 मजदूरों की जान चली गई, कुल मरने वालों का आंकड़ा 49 है। तो करीब 160 श्रमिक इस 6 मंजिला इमारत में रह रहे थे। तय क्षमता से बहुत ज्यादा श्रमिक इसमें पहले से रह रहे थे। एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी हुआ है कुवैत में। भारतीय दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किया है, 9656550546। ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल करके प्रभावितों से जुड़ी हुई जानकारी या फिर मदद मिल सकती। अब बात होगी चंद्रबाबू नायडू की। चौथी बार आंध्र प्रदेश के सीएम बने, कल ताजपोशी हुई। पवन कल्याण बने हैं डिप्टी सीएम, टीडीपी से 20, जनसेना से 3 और बीजेपी से 1 मंत्री ने कल शपथ ली है। अगर हम बात करें न्यूज़पेपर्स की, तो गले मिलते हुए चंद्रबाबू नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको यहां पर नजर आ जाएंगे, गले मिलते हुए बधाइयां शुभकामनाएं देते हुए तेलुगुदेशम पार्टी के सुप्रीमो को, चंद्रबाबू नायडू को। दरअसल राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने उनके साथ जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण को भी शपथ दिलाई, वो डिप्टी सीएम पद संभालेंगे। समारोह में मौजूद प्रधानमंत्री मोदी ने नायडू को बधाई देने के बाद गले से लगाया। तो कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ और उसमें तमाम बड़े चेहरे, चाहे जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, सभी ने शिरकत की। प्रधानमंत्री मोदी खुद वहां पर पहुंचे और इस दौरान राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई। डिप्टी सीएम पद की शपथ पवन कल्याण को दिलाई गई। तो टीडीपी से 20, जनसेना से 3 और भाजपा के 1 मंत्री जो कि शपथ लेते नजर आए थे। नायडू के शपथ समारोह में शामिल हुए अब तमाम दिग्गज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए, गृहमंत्री अमित शाह मौजूद रहे, जेपी नड्डा मौजूद रहे और बीजेपी के कई दिग्गज मौजूद रहे। रजनीकांत और चिरंजीव भी इसमें शामिल हुए और अखबारों में देखिए तमाम तस्वीरें हैं और इस खबर का जिक्र है। विजयवाड़ा में बुधवार को चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस मौके पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मौजूद रहे। साथ ही साथ आपको बताते चले कि तेलुगुदेशम पार्टी और प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर ये उनका चौथा कार्यकाल होगा। और ऐसे में देखिए तमाम जो दिग्गज थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद थे, जनसेना प्रमुख, अभिनेता पवन कल्याण, चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश समेत अन्य ने यहाँ पर शपथ ली। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने नायडू और अन्य को शपथ दिलाई। तो देखिए शपथ समारोह के बाद नायडू ने बैठक की और सीएम ने अपने आवास पर मंत्रियों के साथ बैठक की। अमरावती में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अपने आवास पर मंत्रियों के साथ बैठक की है और जब उन्होंने शपथ ली तो उसके बाद ये बैठक और किस तरीके से तमाम राज्य में काम करने हैं, किस दिशा में राज्य को आगे बढ़ाना है और ख़ास तौर पर अमरावती को लेकर क्या एक्शन प्लान आगे होगा, क्योंकि अमरावती को कैपिटल बनाना है और ऐसे में वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। एक ये भी है, चैलेंज माना जा रहा है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट भी केंद्र की तरफ से चाहिए और जिस तरीके से इस बार सरकार बनी है गठजोड़ की तो जाहिर सी बात है वो सपोर्ट भी मिलेगा, लेकिन अब सीजन के साथ आगे बढ़ने की पूरी कोशिश और इसी के साथ बैठक भी यहाँ पर की गई।
तो फुल एक्शन मोड में यहाँ पर जो नई सरकार है वो नजर आई। और बहुत खूबसूरत तस्वीर कल तब आई थी जब पवन कल्याण ने शपथ ग्रहण किया और उसके बाद शपथ ग्रहण के बाद वो अपने भाई चिरंजीवी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, चंद्रबाबू नायडू ने यहाँ पर एक बड़ी बैठक की और इसमें क्योंकि अमरावती की राजधानी का मुद्दा और चुनाव में इसे एक बड़े मुद्दे के तौर पर यहाँ पर TDP की तरफ से, अलायंस की तरफ से प्रोजेक्ट किया गया, इसका असर ये हुआ कि एक बार फिर से सत्ता में वापसी चंद्रबाबू नायडू करते हुए NDA के नेता वो चुने गए वहाँ पर विधायक दल के, जिसमें जनसेना और भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी। के बाद ये पूरा जो मंत्रिमंडल था वो अब एक्शन में आ चुका है, ये तस्वीरें भी। लेकिन कल एक और राज्य से बहुत दिलचस्प तस्वीर सामने आई, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये दो तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जहां पर चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री ने बधाई दी है, दूसरी तरफ पवन कल्याण। और देखिए पवन कल्याण के लिए भी, क्योंकि एक्टर से राजनेता वो बने, साल 2014 में उन्होंने जनसेना पार्टी का गठन किया, ये पहला पॉलिटिकल डेब्यू एक तरीके से उनके लिए, और इसी दौरान अपार सफलता वो मिलती है उनको जब वो राज्य के उप मंत्री बनते हैं। सबसे अहम ये क्योंकि अभी जो आप NDA देख रहे हैं प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, उसमें एक बड़ी भूमिका रही पवन कल्याण की। जब चंद्रबाबू नायडू जेल में बंद थे तो पवन कल्याण उनसे मिलने जाते हैं, उनको वहां पर मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि आप अलायंस फॉर्म कीजिए, आप लड़िए, उसके बाद परिस्थितियां क्या बनती है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। उसके बाद पवन कल्याण जो कि चंद्रबाबू नायडू के एब्सेंस में नारा लोकेश के साथ वहां पर प्रचार प्रसार करते हैं और फिर ये जीत हासिल करते हैं, जिसके बाद डेप्यूटी CM के पद पर वो जाकर के बैठते हैं। अब बात करेंगे उड़ीसा के, जिस दिलचस्प तस्वीर की हम बात कर रहे थे वो उड़ीसा से सामने आई थी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बीते रोज पहली सरकार बनाई, 15वें CM बने मोहन मांझी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली। इसके अलावा राज परिवार से ताल्लुक रखने वाले KV सिंह देव ने डेप्यूटी CM पद की शपथ ली। प्रभाती परिडा, जिन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा, उन्होंने डेप्यूटी CM पद की शपथ ली। 13 पाखी के मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया है। दिलचस्प ये कि मोहन मांझी वहां पर ओडिशा में पहले BJP के मुख्यमंत्री और तीसरे आदिवासी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और निष्ठा रखिबा करू अछि जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी। तो 24 साल के बाद आदिवासी मुख्यमंत्री ओडिशा को मिला है। और आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे तो उस दौरान ही उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया था कि अब जो मुख्यमंत्री होगा वो आपके बीच का होगा, ओडिशा का बेटा होगा, ओडिशा की बेटी होगी। और वो सच भी हुआ कि 24 साल के बाद आदिवासी मुख्यमंत्री मिला है ओडिशा को। 4 बार के विधायक हैं, आदिवासी नेता हैं मोहन चरण मांझी, जिन्होंने कल शपथ ली है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर मौजूद रहे, राज्यपाल रघुवर दास यहाँ पर मौजूद रहे। इसके अलावा आपको बता दें 13 मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इसमें कुछ नाम हैं वो आपको बता देते हैं, नित्यानंद गोंड, कृष्ण चंद्र पात्रा, पृथ्वीराज हरिचंदन, मुकेशन, विभूति भूषण जेना, इसके अलावा कृष्ण चंद्र महापात्रा, गणेश राम सिंह खूटिया, सूर्यवंशी सूरज, ये तमाम वो नाम है जो आप मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। तो उड़ीसा को 24 साल के बाद कल आदिवासी मुख्यमंत्री मिला है और अब एक्शन यहाँ पर सरकार का शुरू हो चुका है। हालांकि कल एक और बड़ी दिलचस्प तस्वीर सामने आई थी, जब शपथ ग्रहण हो रहा था उड़ीसा में, BJP की सरकार जब पहली बार बन रही थी, इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की और नवीन पटनायक की भी मुलाकात होती है। बेहद दिलचस्प मुलाकात होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने BJP प्रमुख नवीन पटनायक से आत्मीयता मुलाकात की। 24 साल से क्योंकि सत्ता में वो रहे और उसके बाद अब BJP को हराकर ही BJP आई है सत्ता में। और इसमें लोकतंत्र की कितनी खूबसूरत तस्वीर है कि आपकी सरकार भी नहीं बन रही, फिर भी नवीन पटनायक वहां पर पहुंचे। तो ये जो तस्वीर इस न्यूज़पेपर में भी दिखाई गई है कि दोनों की मुलाकात होते हुए, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बातचीत करते हुए, शिष्टाचार मुलाकात करते हुए तस्वीरें बेहद खूबसूरत कल सामने आई थी। आगे बढ़ेंगे, मोहन मांझी के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी कल पहुंचे, अमित शाह पहुंचे, राजनाथ सिंह, JP नड्डा, इसके अलावा BJP के तमाम दिग्गज मौजूद रहे, मंच पर आप देख पाएंगे। और जिसका जिक्र हम कर रहे थे, पूर्व CM नवीन पटनायक भी मौजूद रहे। अमूमन देखा जाता है कि नहीं होते, ये तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर जो कि कल सामने आई न्यूज़पेपर्स में भी, इस तस्वीर को प्रमुखता से दिखाया गया है। तो ओडिशा की मांझी सरकार में पहला फैसला, आज से खुलेंगे पूरी जगन्नाथ मंदिर के चारों कपाट और श्री जगन्नाथ मंदिर के लिए 500 करोड़ रुपए के कॉपर्स फंड की भी मंजूरी मिल गई है और 100 दिनों के भीतर सुभद्रा योजना भी लागू होगी। कैबिनेट में 4 प्रस्ताव पारित किए गए। तो देखिए कल ओडिशा में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री मोहन मांझी और जिसकी तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई कि किस तरह से शपथ ग्रहण समारोह हुआ और तमाम जो दिग्गज थे वो नजर आए यहाँ पर। और ओडिशा में जगन्नाथ
मंदिर के चारों प्रवेश के द्वार खुल गए, क्योंकि बीते दिन कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला हुआ था। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे, सभी मंत्रियों की मौजूदगी में खुलेगा द्वार। जगन्नाथ मंदिर के लिए 500 करोड़ के फंड को मंजूरी भी दी गई है। पहली कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया था और ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, पहली कैबिनेट की बैठक में ये फैसला और अब चारों द्वार खुल चुके हैं। जगन्नाथ मंदिर के चारों प्रवेश द्वार को खोल दिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन मांझी भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, ये बड़ी खबर। इसके अलावा दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर, पूरी कैबिनेट की यहां पर मौजूदगी, क्योंकि कल जब बैठक हुई थी तो अहम फैसला लिया गया था कि चारों प्रवेश के द्वार खुलेंगे। इससे जाहिर है कि जो श्रद्धालु हैं, जो कि अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुंचते हैं, उनको एक बड़ी राहत भी इससे मिली है। जगन्नाथ मंदिर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पूरी में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ता है। देश के कोने कोने से, विदेशों से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर एक अहम फैसला लेते हुए ये कहा गया कि चारों जो प्रवेश के द्वार हैं वो अब खुलेंगे, और इसी के बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद और तमाम जो मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी हैं उनकी मौजूदगी, ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मौका बेहद अहम है, क्योंकि पहली मर्तबा उसकी सरकार बनी। हालांकि इससे पहले वो बीजेडी के साथ अलायंस में तो थी, लेकिन अलायंस फिर टूट गया। लेकिन इस बार अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने अकेले दम पर चुनाव लड़ा और उससे जीत हासिल हुई। ये अभूतपूर्व जीत थी, 78 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल हुई, जिसके बाद प्रवेश द्वार यहाँ पर फिर खुले। और बिल्कुल देखिए प्रिया, क्योंकि ये वादा किया गया था पहले एक ही द्वार खुलता था, तो ये कहा गया था कि जो भक्त दूर दूर से आते हैं वो दर्शन नहीं कर पाते अच्छे से, और अपने मैनिफेस्टो में भी इस बात का जिक्र किया गया था। और उसी वादे को पूरा करते हुए, क्योंकि कल कैबिनेट की पहली बैठक हुई और जैसी बैठक हुई उसके बाद ये फैसला लिया गया कि चारों द्वार खोले जाएंगे, और वो आगे किया भी गया है। देखिए साथ ही साथ, क्योंकि फंड की बात करें तो 500 करोड़ फंड जारी किया गया रखरखाव के लिए, बाकी भी चीजों के लिए। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, मोदी की नई सरकार, दिग्गजों ने संभाला अपना कामकाज, एक्शन में मोदी कैबिनेट लगातार है, और ऐसे में तमाम जो मंत्री उन्होंने अपना पदभार संभाला है। आपको बता दें कि एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना कार्यभार संभाला। इससे पहले हमने आपको दिखाई थी एस जयशंकर जब अपना कार्यभार संभालने के लिए पहुंचे थे, इसके अलावा क्योंकि अश्विनी वैष्णव अपना कार्यभार संभालने के लिए पहुंचे थे, तमाम तस्वीरें सामने आ रही थी। और अब वित्त मंत्री की भी तस्वीर सामने आई, और साथ ही साथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी अपना कार्यभार संभाला है। अगले 100 दिन का क्या एक्शन प्लान होगा, क्योंकि सबको एक टारगेट दिया गया है कि आपको अगले 100 दिन में काम को पूरा करना है, जो निर्धारित लक्ष्य है उसे हासिल करना है। और उसी रणनीति के साथ यहाँ पर सभी अपना कार्यभार भी संभाल रहे हैं, पदभार भी संभाल रहे हैं, और काम में गति देने का काम कर रहे हैं। आप देखिए जो CCS से उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी कि चाहे हम वित्त मंत्री की बात करें, चाहे क्योंकि नितिन गडकरी की बात करें, उनको एक बार फिर से परिवहन और सड़क मंत्रालय दिया गया है जो उनके पास पहले था। निर्मला सीतारमण के पास पहले भी वित्त मंत्रालय था, इसके अलावा जयशंकर के पास पहले भी विदेश मंत्रालय था। तो ये आप कह सकते हैं, चाहे रक्षा मंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, उनके पास एक बार फिर से उन्हीं के मंत्रालय हैं। यानी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति है वो ये कि क्यों इन्होंने इस विभाग में पहले भी काम किया है, और अगर आगे भी यही इसे कंटिन्यू रखेंगे तो जाहिर सी बात है उन्हें सब कुछ पता है, तो काम और तेजी के साथ होगा बिना किसी रुकावट के, क्योंकि वो जानते हैं कितना काम हुआ, कैसे उसका तरीका और आगे क्या करना है। प्रिया बिल्कुल, तो कई ऐसे बड़े चेहरे जिन्होंने यहाँ पर कार्यभार ग्रहण कर लिया, इसी में से एक हर्ष मल्होत्रा भी जिन्होंने कार्यभार संभाला। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कॉरपोरेट मामलों में मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। हर्ष मल्होत्रा पूर्वी दिल्ली से पहली मर्तबा चुनावी मैदान में उतरे और उनको जीत हासिल हुई, और इसका इनाम उन्हें इस तरीके से मिला कि हर्ष मल्होत्रा को कैबिनेट में इंडक्ट किया जाता है। हालांकि इसके बाद उनका खुद का रिएक्शन सामने आया था, और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगा था कि मुझे यहाँ पर कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, लेकिन उन्हें राज्य मंत्री के तौर पर मंत्रिमंडल में जगह मिली है। इससे पहले भी दिल्ली से एक मंत्री को तो जगह दी ही जाती थी, इससे पहले आपको याद होगा कि डॉक्टर हर्षवर्धन हो, मीनाक्षी लेखी हो, उनको कैबिनेट में इंडक्ट किया गया था पहले के कार्यकाल में। और अब हर्ष मल्होत्रा जो कि पूर्वी दिल्ली के सांसद हैं, वहाँ से उनको जीत मिली है इस बार, तो उन्होंने भी यहाँ पर अपना कार्यभार संभाल लिया है। तो कई ऐसे बड़े चेहरे, और जिस तरीके से पीएम ने शपथ ग्रहण के पहले ही तमाम ऐसे वहाँ पर जो सांसद जुटे थे चाय पर चर्चा करने के लिए, तो उनको कह दिया था कि जैसे ही आप शपथ ग्रहण करते हैं, यानी कि आप जैसे ही मंत्री बनते हैं, वैसे ही आप एक्शन में जुट जाएं, आप काम में जुट जाएं। और उसके बाद जो तस्वीरें थी वो लगातार उस दिन के बाद से, यानी कि 9 तारीख के बाद से बदस्तूर देखने को मिल रही है, जहां पर अलग अलग जो मंत्री हैं वो यहां पर पदभार ग्रहण करते हुए, आज भी इस सिलसिला जारी रहेगा। प्रीति
तो देखिए जिस तरीके से लगातार एक्शन में मोदी सरकार के मंत्री नजर आ रहे हैं, हर्ष मल्होत्रा की तस्वीरें आपने देखी, इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कार्यभार अपना संभाला, वो तस्वीरें आप देख पाएंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाला। डॉक्टर सुकांत मजूमदार पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास राज्य मंत्री हैं। तो एक्शन में मोदी सरकार के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर जिन्होंने कार्यभार संभाला, और अलग अलग तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से मोदी कैबिनेट 3.0 के तमाम जो मंत्री हैं वो कार्यभार संभाल रहे हैं। बढ़ते आगे बात छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में कामकाज में तेजी लाने के लिए सीएम करेंगे समीक्षा और मुख्यमंत्री साय आला अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आज से 15 जून तक ये बैठक चलेगी और सीएम विष्णुदेव साय करेंगे विभागों की समीक्षा। छत्तीसगढ़ से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और इस समीक्षा बैठक में कई दिशा निर्देश दे सकते हैं। आज से 15 जून तक ये बैठक चलेगी। तो 15 जून तक ये बैठक चलेगी आज से। तो वहीं वायनाड में मिली जीत पर राहुल गांधी ने भी जनसभा की, जनता का आभार राहुल गांधी ने जताया, कहा कि मेरे लिए रायबरेली और वायनाड में से एक को चुनना काफी चुनौतीपूर्ण है। आप देखिए राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली से इस बार चुनाव लड़ा और दोनों ही सीटों से उनको बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छा वोट उनको मिला और इसीलिए ये कहा जा रहा था कि आखिर चैलेंज होगा राहुल गांधी के लिए। अब ये कहा गया था कि रायबरेली की सीट को क्योंकि वो चुन रहे हैं तो जाहिर सी बात है वायनाड की जनता से जो वादे उन्होंने किए उसका क्या होगा। हालांकि राहुल गांधी पहले ये कह चुके थे कि मैं वायनाड की जनता से भी बात करूंगा, मैं रायबरेली की भी जनता से बात करूंगा, मैं उनके बीच में जाऊंगा। आपको याद होगा 2019 में क्योंकि वायनाड जब राहुल गांधी गए थे अमेठी से उनको हार का सामना करना पड़ा था और उस वक्त वायनाड की जनता ने उनको प्यार दिया, उनको संसद पहुंचाया था। और अब एक बार फिर से क्योंकि इस वाले चुनाव में यानी कि 2024 लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि किस तरीके से मांग की जा रही थी कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़े। जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे उनका ये कहना था कि अमेठी और रायबरेली की जो सीट है वो गढ़ है कांग्रेस पार्टी की और वहां से अगर चुनाव लड़ेंगे तो एक सही मैसेज जाएगा। और जब वहां पर चुनाव प्रचार किया जा रहा था यानी कि रायबरेली में, उस वक्त सोनिया गांधी की तरफ से एक बहुत ही भावुक अपील की गई थी और सोनिया गांधी ने कहा था कि मैं अपना बेटा राहुल आपको सौंप रही हूं और उसके बाद नतीजे हम सब ने देखे। लेकिन अब देखिए किस तरीके से वायनाड से मिली जीत पर राहुल गांधी ने यहाँ पर जनसभा की और ये कहा कि वायनाड छोड़ या रायबरेली धर्म संकट है मेरे लिए, जनता का आभार भी इस दौरान उन्होंने जताया कि उनको भारी मतों से जिताया जनता ने। लेकिन साथ ही ये कह रहे हैं कि ये उनके लिए एक धर्म संकट की बात है प्रिया, कि वो वायनाड को चुने या रायबरेली को। बिल्कुल, और तो जीत के बाद केरल पहुंचे राहुल गांधी, मलप्पुरम में उन्होंने भव्य एक रोड शो किया। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी की रोड शो की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, लोगों का हुजूम यहां पर उमड़ा और क्योंकि वायनाड हो या फिर रायबरेली दोनों जगहों से इस बार चुनकर आए हैं और जब उनका ये संबोधन होता है तो बहुत भावुक नज़र आते हैं राहुल गांधी, क्योंकि ये वायनाड वो क्षेत्र है जिसने राहुल गांधी को तब संभाला जब अमेठी में, जो कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमारी ये परंपरागत सीट है, जब अमेठी में राहुल गांधी को शिकस्त मिली तो 2019 में वायनाड ने उनको सहारा दिया और उसी वायनाड की जनता के बीच वो पहुंचे थे आभार जाहिर करने के लिए। इससे पहले आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले रायबरेली में भी एक जनसभा की थी जहाँ पर लोगों का आभार वो जाहिर करते हैं, उनकी बहन वहाँ पर उनके साथ थी, प्रियंका गांधी वहाँ पर मौजूद थी, तो कहते हैं वो कि मैं अपनी बहन पर बहुत गर्व महसूस करता हूँ, उसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि वो लगातार जुटी रही रायबरेली और अमेठी दोनों जगह। दूसरी तरफ जब वो केरल के वायनाड पहुँचते हैं वहाँ पर मलप्पुरम में उनका एक भव्य रोड शो देखने को मिला। चाहे केरल में भी जो चुनाव था वो बहुत दिलचस्प था और ख़ासतौर पर अगर वायनाड की बात करें, यहाँ पर जो लेफ्ट पार्टी है जो कि आपने देखा होगा कि INDIA ब्लॉक का हिस्सा थी, CPI की तरफ से भी यहां पर कैंडिडेट को उतार दिया गया, लेकिन बावजूद राहुल गांधी ने एक बड़े अंतर से 3 लाख से अधिक अंतर से उन्होंने यहां पर जीत हासिल की और इस विजय श्री को हासिल करने के बाद वहां पर वो पहुंचते हैं लोगों के बीच में, एक पसोपेश भी नज़र आता है क्योंकि राहुल गांधी ये कहते हैं कि मैं वायनाड छोड़ूँ या फिर मैं छोड़ूँ रायबरेली, मेरे लिए जो पूरा फैसला है वो बहुत कठिन है। और अब आगे बढ़ेंगे, इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएंगे, जम्मू राजौरी और पुंछ में हाई अलर्ट जारी है, सुरक्षा एजेंसियों का आत्मघाती हमले का अलर्ट, सुरक्षा बलों पर हमला हो सकता है, सुरक्षा एजेंसियों ने सावधान रहने की सलाह दी है। आपने देखा कैसे बैक टू बैक लगातार हम लोग की जानकारी मिल रही है, हम लोग की खबर सामने आ रही है, जम्मू से आ रही है। इसके अलावा अब हाई अलर्ट जारी किया गया है जम्मू राजौरी और पुंछ में, तीनों ही जगहों पर आत्मघाती हमले का अलर्ट जारी किया गया है। आपको याद होगा
मुठभेड़ लगातार हो रही थी सुरक्षा बलों के बीच में, सैनिकों के बीच में। कठुआ की बात करें वहां पर भी, डोडा की बात करें वहां पर भी लगातार पूरे इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा था। और अब जम्मू, राजौरी और पुंछ में हाई अलर्ट आत्मघाती हमले को लेकर जारी किया गया है। तो जम्मू, राजौरी और पुंछ में हाई अलर्ट, और जिस तरह से आतंकी हमले हुए उसके बाद से सुरक्षा में और सख्ती बरती जा रही है।